बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं हो रही है, रोजगार भी ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो एक तरफ तो हम सपना ये लेके चल रहे हैं कि हम आगे 4 साल 5 साल में एक विकसित देश बन जाए, तो उसके लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी का अपना असेसमेंट है, सपना है कि हम लोग 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाएं। और हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हम लोग 1 ट्रिलियन डॉलर की स्टेट इकॉनमी बनाएंगे। तो हमारे सामने जो सोचने की बात यह है, क्योंकि बैंकर्स उसके बहुत बड़ा स्टेक होल्डर हैं, विकास का जो हम लोग ये सपना देख रहे हैं, बैंकर्स का अपना एक अलग योगदान उसमें है। तो हम लोग क्या करें? तो हम लोगों ने देखा औद्योगिक विकास में तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, और वो शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म में हो सकती हैं लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं है। तो एग्रीकल्चर को हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर में दो चीज़ें हम देख रहे हैं कि आप खाद्यान्न देखिए, तो खाद्यान्न जितनी हमारी ज़रूरत है उतना उत्पादन हो रहा है, तो अगर उसका प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्राइसेस नीचे आएंगे तो हमारा किसान जहाँ पर है उसी जगह जो है वो रह जाएगा। तो हमको कुछ ऐसे क्लस्टर्स डेवलप करने चाहिए जो हमारा जो किसान प्रोड्यूस कर रहा है उसका कुछ इंडस्ट्रियल यूज। जैसे अभी प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छी बात की कि गन्ने से एथेनॉल डायरेक्ट बन, पहले वो सीधे से एथेनॉल बनता था, उसकी कॉस्ट बहुत आ जाती थी और वेस्टेज बहुत होता था, तो उन्होंने कह दिया सीधे उसको गन्ने के रस से एथेनॉल हम लोग जो है वो बना के पेट्रोलियम में मिक्स कर देंगे, तो इंडस्ट्री का आउटपुट हो गया। जब इंडस्ट्री में चला गया तो उसकी डिमांड अपने आप जो है वो बढ़ जाएगी, और जो गन्ने के हमारे सामने प्रॉब्लम ये थी कि शुगर का एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है वो भी अपने आप जो है वो ख़त्म हो गया। इसी तरीके से कि जेनरिक मेडिसिन आप देखिए, अभी सप्लाई बहुत कम है, जेनरिक मेडिसिन प्रोड्यूस करने के लिए भी बहुत से हम लोग हर्ब्स और प्लांटेशंस का यूज़ करते हैं, उनके कुछ क्लस्टर बनाते हैं। अगर वो क्लस्टर बनाएंगे और उनको सप्लाई होगा तो इससे जो हमारी नॉर्मल फूड ग्रेन सप्लाई है उस पर कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा, और इसका लगातार मार्केट बढ़ रहा है चाहे